हेलो एवरीवन, रवि हियर। देखिए, हम लोग एग्ज़ाम के धीरे धीरे नज़दीक जा रहे, अभी भी काफ़ी समय है। वैसे हम सबको पता है कि प्रैक्टिस मैनुअल इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल। अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो सी ए फाइनल ऑडिट में, ठीक है, दो एग्ज़ाम्स पहले अराउंड 37 मार्क्स का था आउट ऑफ 120, जो डिफिकल्ट एग्जाम मानी गई थी। लेकिन लास्ट एग्जाम में अराउंड 60 मार्क्स, ठीक है, 120 में से एक्स्ट्रा काउंट करके बोल रहा हूं, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस एज इट इज प्रैक्टिस मैनुअल से थे। तो प्रैक्टिस मैनुअल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं आईपीसीसी की बात करूं तो आईपीसीसी में इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। आउट ऑफ 120, 124, 70 मार्क्स तक प्रैक्टिस मैनुअल से चीजें पूछी जाती हैं। एक्सेसिव डिपेंडेंसी बोलूंगा, लेकिन मस्ट प्रैक्टिस मैनुअल इज नेसेसरी। आपके जो रेगुलर नोट्स है वो सब तो आप रेफर करिए, करना ही चाहिए आपने, लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल से प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, अब जब हमको पता है कि इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है प्रैक्टिस मैनुअल, वहां से पूछा जाता है। और अभी खास बात क्या हुई है, आजकल इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर्स भी बदल रहा है, दे आर चेंजिंग आंसर्स ऑल्सो। तो जो नए आंसर्स है वो हमको पता होने चाहिए कि अरे ये नया आंसर है, करेक्ट। लेकिन हम जानते हैं प्रैक्टिस मैनुअल ओपन करो तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी किसी चैप्टर के क्वेश्चंस कहीं डाल देते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स होते हैं, करेक्ट। हमको चीजें समझ में नहीं आती है, वी डोंट अंडरस्टैंड, बराबर, चीजें समझ में नहीं आती है। तो कैसे इसको टैकल करें, बहुत सोचने का, बहुत समय डाला हम लोगों ने, रिसर्च किया, और ये चीज बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने वीडियो बनाकर बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस मैनुअल के लिए पीएम एनालिसिस शीट बनाई है। ध्यान सुनेंगे, पीएम एनालिसिस शीट, ये हम लोगों ने सीए फाइनल के लिए भी बनाई है और सीए आईपीसीसी के लिए भी बनाई है। दोनों के लिए पीएम एनालिसिस फाइल हम लोगों ने रेडी की है। क्या है ये पीएम एनालिसिस फाइल, व्हाट इज इट, हमने क्या किया है, पूरे के पूरे प्रैक्टिस में एक एक क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन गाइज, एवरी क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई, और उसके बाद वो पूरे क्वेश्चंस को हमने सॉर्ट कर दिया है, करेक्ट। 500 सीरीज के सारे क्वेश्चन एक साथ, 600 सीरीज के एक साथ, करेक्ट। अगर अगर हम लोग बात करते हैं फाइनल में टैक्स ऑडिट का क्लॉज 21 है तो क्लॉज 21 के सारे क्वेश्चंस एक साथ, प्रोफेशनल एथिक्स का अगर क्लॉज 20 है, ठीक है, सॉरी, क्लॉज अगर 6 है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 6 है, उसके सारे क्वेश्चंस एक साथ। हमने क्या किया है, सभी क्वेश्चंस को सॉर्ट कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि आपका प्रैक्टिस मैन का पढ़ना पूरे तरीके से बदल देगा। ये फाइल से आप जितने रिपीटिव क्वेश्चन है, रिपीटेटिव, सारे रिपीटिव क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मेरे को अगले चार पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस फाइल इज गोइंग टू मेक यू एफिशियंट, बहुत ज्यादा एफिशियंट और इफेक्टिव भी। कैसे इफेक्टिव, एक ही स्टैंडर्ड पे कैसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ डिफरेंट क्वेश्चंस आर आस्ड, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि एक साथ करोगे वो क्वेश्चन। मैं आपको ये फाइनल की फाइल बता रहा हूं, सेम फाइल इज अवेलेबल फॉर आईपीसीसी ऑल्सो, करेक्ट। उसकी लिंक भी मैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सपोज मैं ऐसी एग्जाम्पल बता रहा हूं, कैसी है ये फाइल, हाउ इज दिस फाइल। देखिए, मैं फाइल का एक आपको बता रहा हूं फाइल कैसी है। जैसे ऐसे 450 है, ठीक है। ऐसे 450 की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे 450 के दो क्वेश्चंस, चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 11 सब क्वेश्चन बी ऐसे 450 पे, ठीक है। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 45 सबसे सब आपका ए, ये भी ऐसे 450 पे। आपके प्रैक्टिस मैनुअल में दो क्वेश्चंस है 450 के। 450 आपने आपके नोट से पढ़ा, फटाफट आपने ट्रिक्स देख लिए, आपने चार्ट देख लिया, आपने एग्जाम्पल देख लिए, आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली। अब आपको करना क्या है, आपको
फटाफट जाना है, 450 के ये दो क्वेश्चंस है वो कर लेना है, इससे आपको समझ में आता है कि कौन से चीज पे ज्यादा फोकस करूं और क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, उसके आंसर कैसे लिखूं, इसकी एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। ऐसे एक एक क्वेश्चन, 402 के तीन क्वेश्चंस है तो वो मार्क किए हुए, 330 कितने क्वेश्चन है, 320 के कितने क्वेश्चन है। अच्छा, ये फाइल देखने से आपको यह भी समझ में आता है कि कौन से स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्लॉज पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अपने आप आपके अंदर आपको समझ में आ जाता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान दूं। करेक्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम टाइम पे जब आपको रिवाइज करना है, अभी से मार्क कर लो कि मुझे कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाते, कौन से क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट जाते हो मैं मार्क कर लिया, ताकि जब मैं रिवाइज करूं तो वो क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दूं, बाकी क्वेश्चंस पे मैं कम ध्यान दूं। करेक्ट। ये फाइल आपकी रिवीजन को भी अच्छा बनाएगा। ऊपर से हम लोगों ने हर जगह पे रिमार्क्स दिए हुए, एवरी क्वेश्चन वी हैव गिवन रिमार्क्स कि ये इस बार का एडिशन है वो भी लिखा हुआ है, कि ये इस बार का एडिशन है वो भी लिखा हुआ है। आपके जो लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल्स है, लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल्स, उससे हमने इसको लिंक किया हुआ है, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स को एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर चेंज किया, आंसर इंप्रूव्ड एज पर क्वेश्चन, मोर रिलेवेंट आंसर इंक्लूडेड, कहां कहां पे उन्होंने आंसर्स को बदला है वो भी हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, वी हैव हाईलाइटेड दैट ऑल्सो। हर क्वेश्चन में हम लोगों ने कमेंट भी करके रखा हुआ है, रिमार्क डाल के रखे हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं तो हमने इसको हमारे नोट्स के साथ भी लिंक किया है कि नोट्स के कौन से पेज पे आपको आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। कि नोट्स के पेज नंबर 1.92, पेज नंबर, सब पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर 1, ऐसा भी करके रखा है। तो जो लोग वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, जिनके पास में नोट्स अवेलेबल है, वो तो इमीडिएटली नोट से इसकी ट्रिक्स, नोट से इसके चार्ट्स, इसके शॉर्टकट्स, वो भी आप एसोसिएट कर सकते हो। करेक्ट। किनके पास नोट्स नहीं, चिंता मत करिए, इवन इफ यू डोंट हैव नोट्स तो बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। आपकी जो भी रेगुलर बुक होंगी, आपको पता है 402 कहां पे, वहां से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। जैसे ऑडिट में बहुत सारे क्वेश्चंस एएस के डाले हुए, हमने वो भी सॉर्ट करके रखा है, वी हैव सॉर्टेड दैट ऑल्सो, कंप्लीट सॉर्टिंग करके रखी हुई है। करेक्ट। अगर एएस 18 के कितने क्वेश्चन है, एएस 21 के कितने क्वेश्चन है, 22 के कितने क्वेश्चन है, वो भी सॉर्टिंग हमने इस फाइल में करके रखी हुई है, ठीक है। तो प्लीज गाइज, मेक फुल यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल, ये आपके पढ़ाई को बहुत एफिशिएंट, जो चीज शायद आप 4 घंटे में कवर करते थे, शायद अभी ये फाइल की मदद से यू विल बी एबल टू कवर इन 2 to 3 hours, 2 to 3 hours में आप उसको कवर कर पाएंगे, और कंपेयर करके बहुत अच्छे से आप चीजों को कवर कर पाएंगे। दोनों की अलग अलग फाइल है, ठीक है। मैं आपको इसकी लिंक बता रहा हूं, ये इसकी लिंक है GOO.GL/ESP3EC। सर ऐसी लिंक क्यों बनाई है? लिसन गाइज, मैं आपको बता दूं, और एक चीज, अब तो ये फाइल के बारे में बताया, प्लीज गाइज यूज, मेक फुल यूज ऑफ इट, इट इज फ्रीली अवेलेबल है, इसका पूरा यूज करो। और बच्चे इसको यूज करते आए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, दे हैव बीन वेरी सैटिस्फाइड, वेरी हैप्पी विद दिस फाइल, और मैंने बोला कि बहुत एफर्ट्स लगाए उसको बनाने के लिए। ये फाइल अगर आप ओपन करेंगे, करेक्ट, ये जो लिंक अगर आप ओपन करेंगे, तो ये लिंक में आने वाले एग्जाम को लगने वाले जितने भी लिंक्स है हमारे, वो सबको हमने एक जगह पे उसको लेके आ गए हम लोग, ठीक है, एक जगह पे उसको लेके आए। अगर आप इसमें जाएंगे तो सबके लिंक्स यहां पे, पीएम एनालिसिस फाइल की लिंक आपको मिल जाएगी, पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी, हमारे जो अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स के लिंक मिल जाएंगे, अमेंडमेंट वीडियोस के करस्पॉन्डिंग नोट्स एक जगह पे है। करेक्ट। हमने कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर भी डाला है, वो मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिंक वो भी आपको मिल जाएंगे।
आपके आने वाले एग्जाम को एप्लीकेबल जितने भी करस्पॉन्डिंग पीडीएफ फाइल्स है, जितने भी हमारे लिंक्स है, उन सबको इकट्ठा करके हम लोग एक जगह पर लेके आए हैं। ठीक है, वीडियो में जो मैं पीएम एनालिसिस की बात कर रहा हूं क्लियरली स्पेसिफाइड है, फाइनल के लिए अलग है और आईपीसीसी के लिए अलग है। देयर इज अ डिफरेंस फॉर फाइनल, डिफरेंट फॉर आईपीसीसी। ठीक है, प्लीज मेक फुल यूज ऑफ इट, पूरा उसका मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी इस पर्टिकुलर लिंक को इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, ओके गाइज, थैंक्स फॉर द वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर ऑल अवर रिविजन सेशंस। अभी तक हम लोग कुछ सात सेशन हम लोग कर चुके हैं। इट वॉज वंडरफुल। ठीक है, पुणे, दिल्ली, नागपुर, अगेन पुणे, बहुत अच्छे रहे सेशन, जबरदस्त रहे। करेक्ट, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। एवरी मोमेंट, एवरी मिनट हम लोग हर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कर रहे थे। बराबर वो 6-7 घंटों में हमने कोशिश की कि हम लोग 50-60 घंटे की पढ़ाई को और अच्छे से, मतलब प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स हो, 10 टाइम्स उसकी प्रोडक्टिविटी हो, ये हमने कोशिश की। करेक्ट, अब आने वाले सेशंस भी है। आने वाले सेशंस आपके मुंबई में है, मुंबई के बाद चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ के बाद इंदौर में है, इंदौर के बाद कानपुर में है, और कानपुर के बाद में वी हैव सेशन एट कैलकटा, एंड देन फाइनली वी हैव द लास्ट सेशन एट दुबई। करेक्ट गाइज, अगर अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ये सिटीज वो विजिट नहीं कर पा रहे, वो सिटीज में आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अब ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होते तो उसका वीडियो देना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन हमने नोट्स, ये जो रिवीजन सेशन के वन डे रिवीजन सेशन के जो नोट्स है उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। यू कैन एनरोल फॉर दोज नोट्स, यहां पर उसकी भी लिंक आपको मिलेगी, यू विल गेट लिंक फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, नोट्स के लिए रजिस्टर करने की लिंक भी हमने दे के रखी हुई है। ये पर्टिकुलर फाइल में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो जो नोट्स है 1 अक्टूबर से उसकी डिलीवरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन गेट दैट ऑल्सो, वो भी आपको मिल जाएगा, नोट्स के लिए आप जा सकते हैं। एंड इट हैज बीन रिवोल्यूशनरी, जहां जहां सेशंस लिए, मोटिवेशनल बैंड परफॉर्म डोंट डिस्ट्रैक्ट हैज बीन मैसिव हिट। बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको जीजान लाकर फॉलो कर रहे हैं, अपने एग्जाम से पूरा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन एनरोल फॉर दिस बैंड ऑल्सो, उसकी भी लिंक दी हुई है। एंड गाइज, वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी ऑन दिस बैंड, 100 रुपए उसका प्राइस है, उसमें उसके ऑनलाइन चार्जेस, उसके जीएसटी ऑनलाइन चार्जेस, उसके जीएसटी चार्जेस, उसके प्रिंटिंग चार्जेस, उसके कोरियर चार्जेस, उसके पैकिंग चार्जेस, एवरीथिंग दैट इज समथिंग यार बच्चों ने मोटिवेटेड होके पढ़ना चाहिए। मोटिवेशनल बैंड के बारे में आपको जानना है तो उसका भी वीडियो लिंक यहां पर है, आप उसको देख सकते हैं। करेक्ट गाइस, अच्छा, बहुत सी बार बच्चों को प्रैक्टिस मैनुअल में कुछ स्टेटमेंट समझ में नहीं आते, सर ये स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझा। करेक्ट, डाउट पूछने के लिए लिंक दी हुई है, आप दूसरे बच्चों के डाउट वहां पे सर्च कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज, बहुत सारी क्वेरीज है वहां पे आप सर्च कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, सर पीएम के ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन में क्या बात दी है सर, क्या पॉइंट्स है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस समझ में नहीं आया, डाउट पूछने के लिए भी लिंक यहां पे दी हुई है। मेक फुल यूज ऑफ दिस फाइल गाइस, पूरा उसको यूज करिए। ठीक है, फुल यूज करिए, सो दैट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, आई विश आप लोग वो अच्छा करें। देखिए, मेरे तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जो भी बन पाता है वो सारी की सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, मेक उसका पूरा यूज करिए और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करिए। ऑडिट में आप तूफान मचा दीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आप पास होइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज।